देयर आर फोर सूट्स इन प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कितने उसमें कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं सर, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52. अच्छा इसमें सूट्स कौन कौन से हैं, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सूट्स, दैट इज तो क्लब हो गया, डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, और एक हो गया स्पेड. तो स्पेड किस तरीके का होगा, दैट इज हुकुम, इसको कहते हैं हुकुम, ठीक है. इसके अलावा रहता है दिस इज क्लब, जिसको चिड़ी कहते हैं, इसे चिड़ी कहते हैं, दिस इज स्पेड क्लब, ये हुक्म है चिड़ी, ठीक है. इसी तरीके से लाल ईंट कहते हैं या फिर डायमंड कहते हैं, ओके. एंड ये दिस इज डायमंड एंड वन इज लाल पान भी कहते हैं, और नहीं तो इसको हार्ट भी कह सकते हैं. तो लाल पान और इसको ईंट कहेंगे, जो हिंदी में बोल के खेलते होंगे तो उन्हें ये पता होगा. चार इसमें चीजें हैं, ठीक है ना. अब ये फोर सूट्स हो गए, हर सूट में टोटल 13 कार्ड्स, जिसमें तीन फेस कार्ड्स होंगे. कौन कौन से फेस कार्ड्स हो सकते हैं, पहला होगा किंग, क्वीन, फिर इसके बाद जोकर, जैक, बादशाह, बेगम, गुलाम, दैट इज के, क्यू और जे. तो ये जो कार्ड्स होंगे इसमें फेस भी बने रहेंगे, के तो लिखा रहेगा, के साथ इस तरीके का साइन भी रहेगा जो कि साइन रहता है, ओके. और यहाँ पर एक राजा बना रहेगा, और यहाँ पर भी के ऐसे रहेगा, और दैट इज एक साइन रहेगा, ये राजा टाइप, सही है. अब दैट इज किंग क्वीन, तो इसमें क्वीन बनी रहेगी और क्वीन का भी फेस रहेगा, दिस इज क्वीन, इसके भी मुकुट लगा है, एंड दैट इज क्वीन, ओके. जोकर, जोकर भी ऐसे रहेगा, सब में ये चीज बनी रहेगी. एंड दिस इज जे, जे का रहेगा. दीज आर द फेस कार्ड्स, इनको क्या कहते हैं, टोटल कितने फेस कार्ड्स होते दिया, सही. जैसा कि रिया ने बताया कि 12 फेस कार्ड्स होते हैं, कैसे इनको पता चल गया, क्योंकि तीन इसके और यहां भी किंग और क्वीन और जय, और यहां पर भी किंग क्वीन और जैक. तो तुम पहले से खेली हो, कैसे तुम्हें ये सब पता है कि 12 फेस कार्ड्स हैं, पता होना बड़ी बात है. दैट इज फेस कार्ड्स, जिसमें चेहरे बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कितने हुए अमन फेस कार्ड्स, 12. तो फिर ये बताओ नंबर कार्ड्स कितने हुए, 40. तो इसके आगे अब इक्का आएगा, इक्का दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्का सत्ता नहला और दहला, ठीक है कि नहीं. तो दीज आर, इनमें तो कोई फेस बना नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे बोलो, दीज आर कॉल्ड नंबर कार्ड्स. ऐसा सभी में होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही इनमें भी होगा, ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ए 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 ताशी कार्ड ऑफ ईच सूट कितने हैं बोलो 13 कार्ड ऑफ ईच सूट इट इज 13 अरविंद कार्ड ऑफ ईच कलर कितने हैं करेक्ट देखो इस चीज को बड़ी बात है ऐसे कैसे ही बता ले रहा है देखा होगा एक ही बात है ठीक है मतलब हर कलर ब्लैक कलर के कितने हैं 26 और इस कलर के एक सूट के कितने हैं एक सूट का मतलब है स्पेड एक सूट का क्या मतलब है स्पेड के कितने हैं इसी तरह डायमंड के कितने काउंट करो 3 तो फेस कार्ड्स हो गए और 10 किसके हो गए नंबर तो टोटल कितने हो गए 13 बोलो बात समझ आ गई नाउ गर्व ये बताओ नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 3 बोलो 12 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स 10 करेक्ट सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 फेस कार्ड्स कितने हैं 12 हुए टोटल और मृत्युंजय ने क्या बताया नंबर कार्ड्स उधर दे लिए होंगे 37 दिख रहा है तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने हुए 40 10 10 10 और 10 तो नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स बोलो That is 40. How many are the kings? How each card of different suit? कोई भी चीज हो बेगम चार वन कोई भी इक्का चार हर चीज चार चार है कि नहीं तो इसलिए ऐसा हो सकता है अब देखिए कि हमने क्या किया बताइए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइन If one card is randomly picked out of a well shuffled pack of cards, एक उसमें से यद्रक्षीय निकाल लिया गया तो क्या संभावना है क्या प्रायिकता है कि वो निकाला हुआ कार्ड हुकुम का बादशाह होगा What is the probability that the drawn card is the king of spade? 1/52 If इतनी बात समझ आ गई चेक करो Find probability That the card randomly drawn from well shuffled pack is pehla a king that is Second, king of red color और C, that is king of spade. ये तीनों आंसर अरविंद देंगे कि पहली बात कि क्या संभावना है कि probability that this is king बोलो 4/52 that is number of kings upon total number of cards that is बोलो अशुक्रिया कितने किंग है तो क्या संभावना है कि किंग होगा चार चीजें तुम्हारे पक्ष में और बाकी जो बच गए 52 में से चार हटा दो दैट इज 48 कार्ड्स वो तुम्हारे विपक्ष में तो टोटल 4 ही तुम्हारे पक्ष में है और बाकी 52 टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए उसमें से 4 सैंपल पॉइंट्स तुमको फेवर कर रहे हैं तो ये 1/13 हाँ अरविंद बी का आंसर दो किंग ऑफ यस दैट इज किंग ऑफ रेड कलर सो नंबर ऑफ रेड कलर किंग्स upon total number of cards that it is equals to दो रेड कलर के होते हैं त्रिशु दो होते हैं ना रेड कलर के कितने किंग है देखो दो और टोटल 52 तो कितना हो गया बोलिए 1/26 see that is probability king
ऑफ स्पेड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ किंग ऑफ स्पेड, एक ही होता है स्पेड का तो हुकुम का बादशाह एक ही होता है, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इट इज इक्वल्स टू वन होता है एंड 52। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब दिव्या, मुस्कुराने वाली दिव्या और अर्चिता के बीच कंपटीशन है। एक कार्ड निकाल लिया और वो बादशाह निकला, फिर अब हमने जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से एक दूसरा कार्ड निकाला, क्या संभावना है कि ये एक बादशाह होगा? What is the probability that the next drawn card will be king? 3/51 हर चीज। That is अगला क्वेश्चन, if first randomly drawn card is king, वो किंग निकला एंड इट इज केप्ट असाइड, इसे अलग पृथक्करित कर दिया गया, इट इज केप्ट असाइड, इट इज केप्ट असाइड एंड सुजैन उसमें हमने अदर कार्ड निकाला एंड वन मोर कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it is queen? क्या probability है कि ये queen होगा? और दूसरी probability it is king, और तीसरी probability it is face card, तीनों बताओ सुजैन, एक आंसर दो। 4/4 अच्छा जानती है सुन, तो p queen, तो इट इज नंबर ऑफ क्वीन और अपॉन नंबर ऑफ कार्ड्स, कितनी क्वीन बची? देखो ताशी कितनी क्वीन बची, भाई तुमने एक राजा निकाल लिया, कितने कार्ड बच गए उसमें, तो तुमने एक तरफ रख दिया, 51 कार्ड्स बचे, उसमें रानी कितनी बची? 4 बची, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो? 4/51। अमन अब तुम्हारी बारी है, बताओ अब क्या संभावना है कि जो दूसरा कार्ड निकाला जाए वो राजा हो? दैट इज पी किंग, तीन राजा बचे और कार्ड कितने बचे? 51 3/51। गर्ल ये बताओ कि एक हमने निकाल लिया कार्ड, वो राजा था, अब कितने कार्ड बचे? 51 बचे, क्या संभावना है कि अगला निकाला हुआ कार्ड भी राजा होगा? बताओ, ट्राई करो, हेल्प करेंगे, रुक जाओगे। एक कार्ड निकाला तुमने, वो राजा निकला, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट ड्रॉन कार्ड विल बी फेस कार्ड? बता लोगे? थोड़ी ट्राई करो, तुमने बताओगे तो बता, लेकिन तुम ट्राई करो। 4 क्यों करते हो? मैं कह रहा हूँ ना फेस कार्ड है, तुम फेस कार्ड को सोचो ना, कितने फेस कार्ड होते हैं, और जो तुमने निकाला क्या वो एक फेस कार्ड था? कितने बचे? 11 बचे। टोटल कितने कार्ड बचे? 12 क्यों बचे? नहीं, 51 बचे। तो क्या संभावना है निकाला हुआ कार्ड एक फेस कार्ड होगा? सही है। क्या संभावना है कि निकाला हुआ कार्ड एक नंबर कार्ड होगा? मृत्युंजय, क्या संभावना है कि निकाला हुआ कार्ड नंबर कार्ड? 40 क्यों नहीं बोल रहे हो? नंबर कार्ड तो कोई निकला नहीं, पूरे के पूरे वही हैं, 40 के 40। समझ में आई बात कि नहीं? पहला कार्ड निकाल दिया वो किंग था, अलग कर दिया, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो क्या संभावना है दैट इज पी इट इज फेस कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अंकुर दैट इट इज फेस कार्ड? बता ही नहीं ले। हाँ आप बताओ शिव शर्मा, दैट इज फेस कार्ड, और ये एनएस है, तो दैट इज इक्वल्स टू 11/51 हुआ कि नहीं? सही है। क्या संभावना है कि वो नंबर कार्ड होगा? 40/51 सही है।
और अगर पहला निकाला हुआ राजा लाल कलर का राजा हुआ तो क्या संभावना है कि जो नेक्स्ट कार्ड निकालोगी वो रेड कलर का कार्ड होगा? फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ए रेड किंग, तो क्या संभावना है कि अगला निकाला हुआ कार्ड भी लाल रंग का होगा? क्या संभावना है कि अगला निकाला हुआ कार्ड भी लाल रंग का होगा? ये तो बता दे, बोले 26 कार्ड होते हैं, 25 बचे, तो 25/50 सब सोनाक्षी को पता है, सही खेलने वाला होगा उसे पता ही होगा। कैसे इनको पता चल गया? नाउ आप भी बताओ, कुमकुम पहला कार्ड निकाला वो लाल कलर का राजा निकला, तो क्या संभावना है कि अगला निकाला हुआ कार्ड ब्लैक कलर का होगा? सही, तुम भी बताओ दिशिता, क्या संभावना है कि अगला निकाला हुआ कार्ड काले रंग का होगा? काले रंग के कितने कार्ड बचे? 2 बचे, ठीक है। तुम्हारे सामने सब वही इसी देख के बताती, तुम ऐसे ही बोल रहे कि 52 कार्ड्स हैं, एक लाल राजा निकाल लिया, तो कह रही अब लाल राजा आपने निकाल लिया, अब काले रंग के तो 2 ही बचे गए हैं। कार्ड कभी हाथ में नहीं निकलती क्या? तो जब तो 2 बचे कार्ड, सब तो पता ऐसे क्यों बोल रहे? ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? सो अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पर, 4 निकालने का नंबर। चलो सो नमन एग्जाम्पल 4 देखो, बात कही गई है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस, उसके इक्के होने की संभावना बताइए। इसे एस कहते हैं, एस वर्ड में बता दूं ये एस। चलो बताओ, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस? सही है, चलो नाउ पहला प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एस, गर्व समझो इस चीज में, इसमें नंबर आ सकते हैं अच्छे, तो नंबर ऑफ एस और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब मुझे बताइए गर्व, कितने एस हैं? 4। टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। 4/52। अब देखो तुमने ये बता दिया, अब सेकंड, फिर अब अपने हिसाब से बताओ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन एस, बोलो वो एस नहीं है, इसकी संभावना कितनी? कितनी सैंपल पॉइंट्स तुम्हारे फेवर में? तुम कहते हो एस ना है, एस ना है, एक कार्ड निकाला, तो ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे फेवर में? 12/13। आप नंबर बताओ, बाद में कैलकुलेट सिंपलीफाई तो हम कर देंगे। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन एस, नॉट एन एस, कितने कार्ड्स हैं जो एस नहीं? टोटल काउंट करो एस को छोड़ के, 4 कम कर दो तो कितने कार्ड्स हैं जो तुम्हारे 48/50 सही है, तो नंबर दैट इट इज नॉन एस और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो टोटल जैसा कि गीत ने बताया ऐसे 48 कार्ड्स हैं जो एस नहीं है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब इसको कट करो 4 से, 12/13, गुड बात नहीं? या एक और चीज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी एस और प्रोबेबिलिटी जब बार लगा देते हो तो नॉट एस हो जाता है, एनी इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सम्स अप टू 1, तो आपकी बुक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाले तरीके से करती है, उसको ये तरीका पसंद है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सम्स अप टू 1, तो बताओ एस के आने की कितनी संभावना थी? 1/13। मान लो इसकी तुमको नहीं पता तो प्रोबेबिलिटी नॉन एस, तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी नॉन एस इट इज 1-1/13, 13 हमने इसमें एलसीएम ले लिया गर, तो दैट इज 13-1, तो 12/13। कुछ समझ में आया तो फिर मैं आपसे, और इतनी बात समझ में आ गई? चलो एक और सवाल ऐसा पूछा जाए तो बात बने। नाउ
अब देखिए फोर्टीन क्वेश्चन आओ एक्सरसाइज का। थोड़ा आप बताना तो थोड़ी हम भी मदद करेंगे, थोड़ा रेशनल बताना, ऐसे भी नहीं बोल देना कि दो काले कार्ड बचे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 14th क्वेश्चन, दैट इज ए कार्ड इज ड्रॉन, अब बताओ प्रोबेबिलिटी दैट किंग ऑफ रेड कलर, बोलो कर किंग ऑफ रेड कलर, बताओ बेटा। एक रेड कलर का किंग चाहिए, तुमको सारे कार्ड्स पता है, तुमको ये भी पता होगा रेड कलर के कितने किंग्स होते हैं, ये तो पता होगा ना इतने कार्ड्स में, तो तुम बता दो बस उनको डिवाइड करके। कितना? थ्री, थ्री रेड, कैसे तुम बनाए नहीं हो क्या रेड वाले? देखो रेड कितने हैं, थ्री कहाँ रेड, कौन कौन से रेड है दिखाओ, दो है ना, तो तुम तीन क्यों बोल रहे हो? नंबर ऑफ वो चित्र तो तुम्हारे दिमाग में बन जाना चाहिए ना। एक और पूछेंगे, नंबर ऑफ रेड कलर किंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज टू, ही तो रेड कलर के किंग होते हैं। वन बाय, एक और जगह देखो, अब बताओ, अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। करेक्ट, एक और पूछेंगे तो बता ही रहे तो, ये रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड, तुम पूरा सीख गए, तुम चैप्टर सीख गए। अगला बताओ, जैक ऑफ हर्ट्स, लाल पान का गुलाम, जैक ऑफ हार्ट्स, हाँ बोलो, 1/52, एक ही गुलाम होता है लाल पान का, तुम तो सब बता लोगे मुझे लग रहा है। आ स्पेड, हुकुम का एक कोई कार्ड आने का पत्ता, 1/52, एक कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड कहाँ है, देखो स्पेड देखो, 2/52, स्पेड के कितने कार्ड्स हैं, दो ही क्यों, ये सभी स्पेड है, पूरी लाइन स्पेड की, दिखाना पड़ेगा। इसमें तुम देखो कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये सब इसमें अलग अलग कलर के हैं, देखो किंग ही देख लो, किंग इसमें दो दिखाए गए हैं, ऐसे चार होंगे किंग, जैसे एक स्पेड का किंग है, डायमंड का किंग है, समझ में आई बात कि नहीं। आगे देखिए, ये सब अलग अलग, दैट इज ऑल कार्ड्स ऑफ वन सूट स्पेड, चलो ये देखो, ये सारे कार्ड देखो एक सूट के, तुम देखो तो इससे क्या पता चल रहा है, ये सारे नंबर कार्ड दिखाए गए, इक्का दुक्की तिक्का चौकी पंजी छठी से लेकर दसवीं तक, ये सब नंबर कार्ड है, दस तो यही हो गए गर्व, अभी तीन और बाकी, तीन कौन से बाकी बताओ, उसके बताओ, किंग और क्वीन और जोकर, बादशाह बेगम और गुलाम, ये पिक्चर बनी भाई। अब ये देखो, ये देखो ये सारे कार्ड्स हैं एक से लेकर दस तक, और फिर ये तीन देखो कौन कौन से बताओ,
जैक क्वीन किंग। फिर दूसरा देखो, दूसरे में तुमको पता चल रहा है सारे लाल पान, दैट इज हर्ट। हर्ट के सब देखो अनुप्रिया, और हर्ट के ये भी तीन तुमने देखे, दैट इज जैक क्वीन किंग। दिमाग समझ आई? ये देखो के साथ, ये देखो ये दिखाई पड़ रहा है, ए से लेके यहाँ तक है, और इसमें ये 10 कार्ड हो गए। ऊपर चिड़ी के हैं, दैट इज क्लब। क्लब के कौन कौन से हैं? पावर इक्के की है, ठीक है। अब ये देखो जो तीन निकल ले आता है, अब ये देखो आगे के भी 13 है, बीच वाले के और तीसरे वाले के, समझ आए? तो ये पूरा तुम्हारे सामने है सारा। अब इतना सोच के तुम्हें उत्तर देना है क्या? ये तुम्हारे सामने है, तो अब तुम मुझे बताओ सेकंड का आंसर कि, देखो सेकंड बताइए डर, प्रोबेबिलिटी इट इज अ फेस कार्ड, जिसमें चेहरे बने वही फेस समझना, बताओ सही। That is number of face card upon total number of cards, that is 12/52। तो ये कट जाएगा क्या? और सोनाक्षी आपकी बारी है, ये बताइए number of red face cards, 6 है, तो probability कितना हो जाएगा? Very good, that is probability a red face card। नमन ये बात समझ में आई? रेड टोटल तो 12 है, 6 काले फेस कार्ड है और 6 लाल रंग के फेस कार्ड, सही तो है? तो दैट इज नंबर ऑफ, इसमें देख लो रेड कलर के कितने हैं, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, हाउ मेनी आर दीज, 6/52, तो दैट इज 3/26। अगला सवाल, जैक ऑफ हर्ट्स, कुमकुम जैक हो और हर्ट्स का हो, कोई बात नहीं दीक्षिता, जैक ऑफ हर्ट्स एक ही है, जैक ऑफ हर्ट्स तो एक ही है ना, तो लिखो जैक यानी गुलाम, लाल पान का गुलाम, हर्ट्स, इट इज नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट इज 1/52। अब देखो शिव शर्मा, ये मुझे बताओ कि क्या संभावना है कि एक स्पेड होगा? स्पेड कितने होते हैं टोटल? सही, तो दैट इज नंबर ऑफ स्पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट इज 13/52। एक और बताना होगा आपको, दैट इज द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड, सही है, तुम्हें आ गया है, दैट इज, चलो इधर ध्यान दो, दैट इज नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होती है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, सो दिस कम्स एज 1/52। लेट अस कम द सैंपल पॉइंट्स ऑफ द टू डाइस थ्रोन टुगेदर, टू डिसिमिलर डाइस अगर फेंकी गई तो क्या क्या सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, चलो
एक क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज द क्वेश्चन, इफ टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर, टू डिसिमिलर डाइज, एक लाल कलर की है और एक हरे रंग की है, इफ अ रेड एंड ग्रीन डाई आर थ्रोन टूगेदर, डाई की यही स्पेलिंग है, देखो जरा डी आई ई है, ये तो रंगने वाली हो गई, इफ टू डाइज है ना आर थ्रोन टूगेदर, फाइंड द डाइज, अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट लीस्ट कम से कम At least one head, at most. Dice, red and green dice, na? At least sum is seven. ये probability पता करो कि उनका sum क्या है? Sum is seven at most. Sum is four. Of that, sum is even. सम इज प्राइम नंबर, चार सवाल पूछे सही, तो आपको दो पासे फेंके गए, एक रेड कलर का पास आया है, और एक ग्रीन कलर का पास आया है, चलो एंड इफ दीज आर थ्रोन टुगेदर तो क्या संभावना है, जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम सेवन होता है, डाइस इस तरह से बनती है, अगर यहाँ वन है तो इसके पीछे क्या होगा सिक्स, यहाँ फोर है तो पीछे क्या होगा थ्री, अगर मान लीजिए यहाँ थ्री यहाँ पर टू है तो इसके पीछे क्या होगा फाइव, तो इस तरीके से ये ऐसे ही बना है, ये ना हो कि वन यहाँ दिखा के सिक्स यहाँ नहीं दिखा देना, वन के पीछे सिक्स, फोर के पीछे थ्री और टू के पीछे फाइव, चलो इनका सम देखो, पहले में वन और दूसरे में वन, मान लीजिए ये नंबर वन है और ये नंबर टू, वन वन आ सकता है, वन टू वन थ्री वन फोर, ऐसे बनाने की एग्जाम में बनाना नहीं, लेकिन पहली बार तो हमें बताना पड़ेगा ना, टू वन टू टू बनाना नहीं है, टू फोर टू फाइव टू सिक्स, थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स, फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स, सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स, इतनी बात है। अब जरा देखो इनका सम क्या होगा, इनका सम कितना है टू, इनका सम बताओ अगर इन्हें जोड़ लिया जाए, इनका सम बताइए और किसी तरीके से इनका भी सम बताओ, फिर इसका सम बताओ, फिर इसका सम सबका बताओ, इसका सबका सम सबके सम निकाले जा सकते हैं, तो जरा ये देखो ना, अब देखो पहले वाले का सम क्या है, टू है, थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसा हो गया। इनके बेसिस पर अब हम आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन, सम इज एट लीस्ट सेवन। अर्षिता टोटल सैंपल पॉइंट्स निकालो। टोटल कितने हैं? 6 by 6 है, टोटल 36 है। पहले भी हमने आपको बताया इस पे नंबर 6 तरीके से आ सकते हैं, इस पे नंबर 6 तरीके से आ सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, बताया कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दो कि कोई घटना कितने तरीके से घट सकती है। तो 6 × 6 36 हो गए। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए बताइए? दैट इज 36। अब आगे देखो, तो अब दैट इज आउटकम हैविंग सम एट लीस्ट 7। इसको आप एक इवेंट मान लो ई। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? 7 के ऊपर के सारे आ जाएंगे, दैट इज 6 2। और कौन कौन से आ जाएंगे? 5 3। फिर कौन से आएंगे? 4 4। फिर इसमें भी कॉमा लगेगा, 3 5। ठीक है, इसके अलावा 2 6 और 6 3। कम से कम एट लीस्ट 7 हो तो ये सारे आ गए। हाँ, तो सम करो ना। सर क्या अब समझे नहीं कि कितनी जल्दी उन्होंने बताया? बहुत प्रॉपरली चीजें बताई गई, समझो। जिसका सम कम से कम 7 हो, एक है जिसका सम ज्यादा से ज्यादा 4 हो गया, तो ये 7 वाले भी आएंगे जिनका जोड़, और 7 से ज्यादा वाले। इसी पे ही तो सब कुछ उन्होंने लाप्लास ने किया था, तभी तो प्रोबेबिलिटी बन गई। ये उन्हीं के द्वारा किया गया क्वेश्चन है, वो चकरा गए, बोले ब्रांच बना, उन्हीं का क्वेश्चन। दैट इज 6 3। अगला देखो और कौन से हैं। टोटल ऐसे टोटल करो जरा सम वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अगर लिस्टिंग करना चाहो तो ये कर लो, और इसमें एनी कितना हो जाएगा? सही है सर, तो 21 नंबर पहले लिख के दिखाना है। ये लिख दो एनी 21। हम जो तेज बच्चे हैं उनके लिए पूरा प्रोसीजर बता देते हैं, फिर शॉर्टकट करने वालों के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक बार हमें अपनी तरफ से तो सही सही बताना चाहिए कि नहीं, कि वास्तव में आपको वहां कैसे एग्जीक्यूट करना है, ऐसे करना चाहिए। ये बहुत बड़ा नंबर हो तो सम इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख के भी कर सकते हो, नॉट ई, छोटा वाला लिख के 1 माइनस कर देना। समझ आया? सम इज एट लीस्ट 7 में सब ऊपर वाले लिख दिए, तुमको बता दिए कौन कौन से, यहां से लिखना सब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यही एक ऐसी चीज है प्रोबेबिलिटी जिसमें बच्चे हमारे कई सालों नंबर लूज करते हैं, वही हमें अंदर लगता है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है, जल्दी से कर दो, एक ही लाइन में कर दो, 4 लाइन की चीज 1 लाइन में, 4 नंबर का 1 लाइन। आंसर कोई महत्व ही नहीं है वहां। फॉर्मूला लिखिए, सैंपल स्पेस दिखाइए, सैंपल पॉइंट दिखाइए, दोनों के सेट दिखाइए, एनी लिखे एनएस लिखे, तब पूरे नंबर कटते नहीं कर। सही है कि नहीं? अब देख लो, नहीं तो जितने भी हैं आंसर शीट देखो बोर्ड में जो चेक हुई। ऐसे कहीं पर भी कुछ लोग जैसे एच और एच का करेंगे, कहेंगे हमारे टीचर ने बताया, अरे तुम्हारे टीचर वहाँ थोड़ी कराने जा रहे हैं, या ऐसे कर देंगे, तुम्हारा टीचर वहाँ कुछ हेल्प नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाना, बताने की बात है। जो बोर्ड में जैसे चेक होती है, जो नॉर्म्स है वो फॉलो करने, वहाँ कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है कि नहीं? चलो अब तुमको ये पता चल गया और एनएस कितना है, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ई इट इज एनी बाई एनएस। इट इज स्टेटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स यानी डेटा के हिसाब से आप कर रहे हैं, ओके? तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो दिस कम्स एज 21/36। अब देखो नमन, सम इज एट मोस्ट 4, बताओ जरा आंसर, आंसर तुम बताओ, बाकी तुम देखो।
पिता से कहो पापा मुझको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए देना, हम इससे ज्यादा खर्ची नहीं कर पाते, पूरे दिन भी घूमेंगे हम खर्ची नहीं कर पाते बाबा, तो वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10 देंगे। बोलो सम इज एट मोस्ट 4। चेक करो एक कौन कौन से इवेंट्स हैं, बता दिया इन्होंने 1 2 3 4 5 कह रहे हैं ये जितनी भी चीजें इनका सम एट मोस्ट 4 है, बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड है आउटकम्स हैविंग सम एट मोस्ट 4। तो बोलो कौन कौन से इवेंट है, इसको अब एफ मानना, अमन ई मत मान लेना। एक सवाल में अगर 3-4 इवेंट्स हो तो ई ई से शुरू करो, ई एफ जी एच, ई से ही शुरू करना और ई से ई एफ जी एच आई, ठीक। तो क्या लिखोगी बताओ, 1-1, 2-1, 1-2 और 3-1। ये कहीं बना लेने से बिल्कुल कहीं सवाल गया नहीं, 4 नंबर तो तुमको पड़े मिल जाए। दैट इज 2-2 और 1-3, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन एफ कितना हो जाएगा, 1-2-3-4-5-6। और इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट भी आवश्यक है, इससे तो कॉमा भी लगाना, तो दैट इज 6 और एन एस कितना है 6, तो पी एफ कितना होगा, दैट इज एन एफ बाई एन एस, दैट इज 6/36, इट इज 1/6। अब तीसरी बात हो जाए, सम इज इवन, ऐसे ऐसे काउंट करो जिनका सम इवन हो, वही वही लेना, ये ले लो, ये ले लो, इनके सारे केसेस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सम इज इवन, इसको अब इसे जी लिखो, देखो ई एफ जी, बोलो कितने हो गए, 1/2 है, मैं भी वो काउंट कर लूं सही होगा कितने दे है, यार 18 आ रहे हैं, दैट इज एन इवन अपॉन एन एस, दैट इज एन जी और एन एस, दैट इज 18/36। अब फोर्थ देखो, अब बोलो 36 बोलो, ए अभी देखो, ए और बी में तुम्हें देखना है ये जोड़ो, इनका जोड़ कितना है, बोलो सम 2 है, इसका सम कितना है 3, ऐसे सबके सम है और इनका सम 12 है, साइड में लिख दिया कि नहीं, अब क्या लिखा है बोलो, जिसका सम कम से कम 7 हो, तो क्या सम 7 एटलीस्ट का क्या मतलब है, पापा से बोलो कि मुझे एटलीस्ट 10 रुपीज तो दो, आजकल तो ऑटो का भाड़ा भी 12 रुपए है पापा, एटलीस्ट तो 10 दो, तो पापा कहेंगे ठीक है लो तुमको 15 रुपए दे देते, 3 का समोसा भी खा लेना, ऐसे वो कहते हैं, दैट मीन्स एट लीस्ट का मतलब 10 तो दो ही दो, 10 से ऊपर जितनी आपकी खुशी हो उतना और दे दो, ये होता है कि नहीं, एट लीस्ट 7 का क्या मतलब है कि कम से कम 7 तो होना ही चाहिए। तो कौन कौन से केस सोनाक्षी पर तुम कवर करोगे बताओ, 7 तो होना ही चाहिए ना उनका सम, ये भी होना चाहिए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, देखो सबका 7 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फिर से समझो, पापा एट मोस्ट तो 4 रुपीज दो, 2 रुपए के केक और पार्टी भी करनी है बर्थडे, वो फिर 2 रुपए भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, एट मोस्ट 4 में कौन कौन से आएंगे ये सब, ज्यादा से ज्यादा चल, दिस, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सम इज नॉट मोर देन 4, तब क्या करोगे, नॉट मोर देन 4, ई पार्ट, सम इज नॉट मोर देन 4, ये कितना तो बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन, कहने की 4 से ज्यादा ना हो, देखो ये है त्रिशूल, 4 के बाद का कोई ना लो तुरंत, ये इंटेलिजेंस है भाई, बेसिक इंटेलिजेंस, वहां लिखा था 4 से ज्यादा ना हो,
सर फोर के बाद में कोई ना लेना, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो वही इन्होंने ले लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, 1/6 हो गया कि नहीं? सही है। अब देखिए फोर्थ पार्ट नैतिक, फोर्थ पार्ट में कह रहा सब इस प्राइम नंबर, तो तुम कौन कौन सा लोगे, कौन सा तुम्हें इसमें सम प्राइम लग रहा है? किसका सम? टू थ्री, टू लग रहा है, थ्री लग रहा है, सेवन फाइव लग रहा है, सेवन लग रहा है, और इलेवन लग रहा है। अब इनको काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स इस पे फ्लेवर, ऐसी जगह पे कर लो पूरे के पूरे नंबर का। अभी देखो दैट इज सम इज प्राइम, देखो दो चीजें हैं दिव्या, अगर तुम वो नहीं बनाती हो तो लिस्टिंग में तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, और अगर तुम ये बना देती हो देन देयर इट इज एक्सप्लिसिट, टीचर्स का तो सर देख लो भाई, फिर नहीं बनाने की जरूरत है, ये बनाते ही टीचर जान जाएगा ये सब तो वहां से देख के लिख रहा है, समझ आई बात कि नहीं? कुछ ना कुछ आपको दिखाना चाहिए एक्सप्लेन करने, एक चीज कर लो पूरे नंबर पा लो, और ये करना ज्यादा आसान है, इसमें सब चीज तुम्हारे पकड़ में, गलत नहीं होगा, गलती से एक भी नहीं छूटेगा। तो बोलो सम इज प्राइम कितने कितने आए? 15 आ गए, दैट इज 15। तो पीई इट इज एनी अपॉन एन एस, दैट इज 15/36, 3 से कट कर लो तो 5/12। ओके ये तो बात आ गई इनकी, अब हम तीन सिक्के उछालेंगे और उनके बारे में भी कुछ केस देखेंगे। चलो ओके नाउ क्वेश्चन है, इफ थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ एट लीस्ट टू हेड्स एट मोस्ट वन हेड, ठीक है, हेड्स नॉट मोर देन टू, हेड्स नॉट लेस देन टू। जो शाम की क्लास में छुट्टी हुई है वो नमन की वजह से आप लोगों को इतना आराम मिला, आप इनको एहसान मानिए, समझ आए वो गाना, क्योंकि ऐसा होता है कि शाम को उन्होंने बोला कि अगले दिन रोज टेस्टी टेस्ट होते ही रहते हैं हमारे, तो हमें पढ़ने के लिए भी करनी चाहिए। शाम की क्लास चाहिए क्या? चाहिए आप लोग? उन्हीं का ऐसा नहीं है। आगे देखो नाउ लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती है। अब ये देखो लेटेस्ट अपडेट, मतलब एहसान वाला गाना नमन के लिए, नमन के लिए लड़की वाला लड़की तुम्हारी आवाज़ रह जाती, लड़की तुम्हारी आवाज़ रह जाती, मानो हमारा एहसान।
एहसान नमन का है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को इनका एहसान मानना है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। थ्री कॉइंस आर टॉस्ड, तो अगर हमने तीन सिक्के उछाल दिए तो उसमें कई चीजें आ सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर पहले में हेड आया, पहले में हेड आ गया तो दूसरे में भी हेड आ गया और तीसरे में हेड आ गया, इन दोनों का हेड लॉक कर दो और तीसरे में टेल आ गया, सही है, हेड हेड, तो हमने इसमें बदलाव कर दिया। अब क्या करो, देखिए इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें टेल आ जाए, धीरे धीरे टी बढ़ा रहे हैं और फिर तीनों में टी आ जाए, दैट इज टी टी टी। अब टी में धीरे धीरे एच बढ़ाओ, सही है, पहले धीरे धीरे क्या बढ़ाया, टी बढ़ाया, टी आ गए, एक एच बढ़ाया, फिर टी एच एच, इतनी बात हो गई, ये छह हो गए, एक टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी एच टी और एच टी एच। अब मैंने इसका सैंपल स्पेस बना दिया, क्या क्या सैंपल स्पेस है, दैट कम्स एज सी, दिस इज सैंपल स्पेस, एच 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 टी एच टी 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 एच टी एच एच। पहले एक बार टी बढ़ाया, फिर अब टी 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 आने के बाद अब एच बढ़ाया, यहां तक पूरा होने के बाद अब टी एच टी और एक एच टी एच, इतनी बात हो गई। अब आगे पहले सवाल का आंसर दिव्या आप दीजिए, दैट इज एट लीस्ट टू हेड्स, इसमें सैंपल पॉइंट भी दिखाना पड़ेगा और एनएस लिख लो, एनएस कितना है, एट, ओके, तो एट लीस्ट टू हेड, आप मुझे सारे सैंपल पॉइंट बताओ जो इसके फेवर में, ट्रिपल एच जो भी लिखोगी उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखोगी, ये सेट का नियम है। एच एच टी और बोलो, और बोलो एच टी एच, और बोलो, बस। तो हाउ मैनी आर द प्रॉब्लम इफ इट इज कंसीडर्ड एज ई, सो व्हाट इज एनी, वन टू थ्री फोर, ये अच्छी बात आपने कही। तो बताइए पीई क्या हो गया, पी का फॉर्मूला बताओ सोनाक्षी, दैट इज एनी अपॉन एन एस, सो दिस कम्स एज 4/8, इट कम्स एज 1/2। पी का आंसर अंशुप्रिया दो, एट मोस्ट वन हेड, पहले तो आंसर बता दो फिर बाकी चीज पूछे। ज्यादा से ज्यादा हम एक एक ही हेड चाहते हैं, बोलो है? That is at most one head. तो सोनाक्षी ने बताया है कि बोले सर एक एक ही हेड होना चाहिए, एच टी टी और टी टी एच और टी एच टी। देखो ये अपनी तरफ से सोनाक्षी ने बताया, टी 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 बोल जो सब बता दिया, तभी सब कुछ थोड़ा हमारी तरफ। That is, इन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, जीरो हो तो भी चलेगा सर, हेड हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हेड हो तो उड़ा दो, हेड नहीं, ये इसका समझ आई बात, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट का मतलब जीरो भी चलेगा, जीरो हेड भी चलेगा और वन हेड भी चलेगा, एट मोस्ट का मतलब तुम समझती हो, जीरो हेड भी चल सकता है और वन हेड। अब यहां पर क्या बताइए, यहां क्या चल सकता है, एट लीस्ट टू हेड्स का क्या मतलब है, टू हेड भी चल सकता है और थ्री भी चल सकता है, सही है, तो ये चारों केस हो गए। तो फिर बोलो इसको तो मैफ मान लो, तो बताइए पीएफ क्या हो जाएगा, अपॉन दैट इज 4/1/2। सुजैन अब मुझे आप बताइए हेड्स नॉट मोर देन टू, पहले तो आंसर बताओ,
नॉट मोर देन टू, बोलो एच एच टी एच एच और बोलो दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और कुछ बोलना चाहती हो? सारे टेस्ट ले लो, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जीरो एच भी हो सकते हैं, वन एच भी हो सकता है और टू एच भी हो सकता है. तो कौन सब आ जाएंगे, सिर्फ कौन सा नहीं रहेगा, ये जी कौन कौन सा नहीं रहेगा. तीन एच नहीं होनी चाहिए. कौन है तीन एच, सही कि नहीं? जीरो एच भी चलेगा, वन एच भी चलेगा, टू दो से ज्यादा ना, लेकिन दो से ज्यादा तो थ्री होते हैं. बोलो बात समझ आ गई? सेवन केस तुम्हारे फेवर में है. तो सारे लिख लो, हेड्स नॉट मोर देन टू, सारे लिख लीजिए सिर्फ इसको छोड़कर. एच एच टी पूरा लिख लीजिए, एच टी 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 एच टी एच एच टी एच टी और एच टी एच. तो क्या हो जाएगा, दिस कम्स एज, इसको लिख लो जी, और एन जी कितना हो गया सेवन. तो बोलो पी जी कितना हो गया, एन जी अपॉन एन एस, दैट इज सेवन बाई एट. ओके नाउ मृत्युंजय, हेड्स नॉट लेस देन टू. पहले तो तुम इसका आंसर बताओ, सिर्फ मुझे आंसर प्रोबेबिलिटी बताओ. हेड रुक जाओ, हेड्स नॉट लेस देन टू, दो से कम तो मुझे हेड नहीं चाहिए. दो हेड के कितने केस हैं बोलो? एच एच टी टी, समझो इस चीज को. जीरो हेड के कितने केस हैं? जीरो हेड के कितने केस हैं? टी टी एक केस, एक केस. एक हेड का कितना केस है? तीन है. दो हेड के कितने केस हैं? तीन. और तीन हेड के कितने केस हैं? सही है, टोटल एट हो गए. जब तुमसे कहा जा रहा है कि नॉट लेस देन टू, दो या दो से ज्यादा, वही वही केस उठा लो. कितने बन रहे बताओ? चार बन रहे. बोल भाई समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर मैं कहूं एट लीस्ट वन हेड, बताती नहीं, आप बोलो सेवन हुआ कि नहीं? एट मोस्ट वन टेल, एच की जगह मन में टी सोच लो बस. एट मोस्ट वन टेल, दिशिता बहुत अच्छी बात कही. इन्होंने कहा इसे टी मान लिया, है तो वही सब केस. जैसे ही मैंने कहा एट मोस्ट वन टेल, इन्होंने कहा एट मोस्ट वन टेल. आप देख रहे ना, ज्यादा से ज्यादा एक टेल. तो ये पूछिए हो भाई, तीन पूछिए, चार पूछ लिए, चलती ज्यादा टेल. दैट मींस समझ में आ गई, एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट टू टेल्स, एट मोस्ट टू टेल्स. जब मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा टू, तो इन्होंने तीन ले लिए. चंद्रशेखर का देखा दिमाग, हर चीज इनके माइंड में फिट है पहले से. उन्होंने गॉड ने फिट कर दी कि तीन टेल आए तो ये करना, दो आए तो ये करना, भगवान फिट करके भेज दिए सारा. तुम ये समझ में आया ना मन? ये मुझे बताओ एट मोस्ट, अगर मैं कहूं एट मोस्ट जीरो टेल तो क्या होगा? जीरो तक लॉक हो जाओ. एक एट मोस्ट वन टेल, फोर बाई एट. एट मोस्ट टू टेल, सही है. और इन्हीं की जगह हेड कर देना, नॉट मोर देन टू हेड्स, सही है. नॉट मोर देन टू हेड्स. ताशी सुजैन, नॉट मोर देन टू हेड्स. आपसे शुरू में ही आपने पकड़ ली सारी चीज, ठीक है. अब देखो ये तो बात हो गई. अभी इसको एक दिन और लगेगा कल, थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस निकालो.
मैं नहीं जाऊंगा, बाहर जाना है। चार बजे साथ में डिगरी बोर्ड क्या डिगरी बोर्ड दाव।